ऑल इन वन। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपका शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही इजी एंड इफेक्टिव डीआईवाई टोनर, जो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, जो फाइट करता है आपके स्किन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम को, जैसे कि आपको एक्ने है, पिंपल है, फाइन लाइन्स है, इस तरह की जितनी भी प्रॉब्लम्स है ये सभी पे वर्क करता है। एंड 100% नेचुरल है, क्योंकि ये बिल्कुल 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से मिलकर बना है। फ्रेंड्स, मैं आपको हमेशा कहती हूँ, कोई भी चीज एक या दो दिन में काम नहीं करती है, जब इसको कंटिन्यूअसली करते हैं तभी चीजें वर्क करती हैं। और एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए, आप एक्सटर्नली कितना भी कुछ कीजिए, अगर आप इंटरनली अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं तो कुछ भी असर नहीं होने वाला है। ये सारी चीजें करने के साथ साथ जो एक बहुत जरूरी चीज है, मैं आपको हमेशा ही बोलती हूँ, अपना वाटर इंटेक बढ़ाइए, पानी की मात्रा अपनी सही कीजिए, बहुत जरूरी है। क्योंकि हम लोग एक गलती करते हैं कि हम सभी पानी बहुत कम पीते हैं, तो अपना वाटर इंटेक बढ़ाइए। जब पानी आप सही पियेंगे तो आपकी बॉडी से टॉक्सिन तो वैसे ही रिमूव होते रहते हैं, 50% बीमारी जो होती है, आपकी स्किन प्रॉब्लम्स होती है, आपको इसी वजह से होती है। तो प्लीज, ये मेन पॉइंट है, मैंने स्टार्टिंग में आपको क्लियर कर दिया है। एक्सटर्नली करिए, जरूरी है, क्योंकि बाहर इतना पॉल्यूशन है तो वो जरूरी है आपको आपका स्किन केयर रूटीन फॉलो करना, लेकिन इंटरनली भी चीजों को करना उतना ही जरूरी है जितना एक्सटर्नली, समझे ना आप। तो मूव ऑन करते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं टोनर को कैसे बनाना है और ये कैसे वर्क करता है। लेट्स मूव ऑन द वीडियो। फ्रेंड्स, इस टोनर को बनाने के लिए हमें नीड होगी ग्रीन टी की। आप कोई भी ग्रीन टी यूज कर सकते हैं। तो आप सिंपल सभी जानते हैं, आपने पहले एक 1 कप वाटर लेना है, उसको अच्छे से बॉइल कर लेना है, देन उसमें आपने ग्रीन टी मिक्स कर देना है और उसके बाद इसको ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद आप इसको स्ट्रेनर की हेल्प से स्ट्रेन कर ले, छान लेंगे और इसके बाद हम इसमें मिलाएंगे एलोवेरा जेल। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं जो ग्रीन टी है वो फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज के साथ साथ इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं, जो हमारी स्किन के लिए, हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। सेकंड में यहाँ पर ले रही हूँ एलोवेरा जेल। तो एलोवेरा जेल भी हमारे स्किन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं सभी से फाइट करता है, हमारे डार्क स्पॉट्स को कम करता है, झाइयां हैं आपको, आपको पिंपल्स, फाइन लाइन्स, इस तरह की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं, काले जो निशान चेहरे पे हो जाते हैं, वो भी इसके यूज से आपके कम होंगे। एक दो दिन में कुछ नहीं होगा, कंटिन्यूअसली आपको करना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे। इसके बाद जो मैं थर्ड इन्ग्रीडियंट यहाँ पे यूज कर रही हूँ, विटामिन ई कैप्सूल। फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दूं, मैंने बहुत लोगों को देखा है वो ये जो विटामिन ई के कैप्सूल आते हैं वो उनको खाते भी हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज किसी भी तरह के कोई भी कैप्सूल, कोई भी टैबलेट्स, कोई भी पिल्स आप लेते हैं तो उससे पहले एक बार डॉक्टर से सजेशन लें। फ्रेंड्स, मैंने तो जब इनको यूज करना शुरू किया था ना, तो उससे पहले मैंने एक बार डॉक्टर को पूछा था कि मतलब इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, तो जब डॉक्टर ने बोला नहीं, ये आप इसको यूज कर सकते हैं एंड कोई भी स्किन है आपकी, ऑयली, ड्राई स्किन, कैसी भी स्किन है, आप सभी इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान वही रखना है, ऑयली स्किन है तो आप इसकी बहुत कम क्वांटिटी यूज करेंगे, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इसको ज्यादा क्वांटिटी में यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज कुछ भी आप विदाउट डॉक्टर की परमिशन ऐसे मत खाया करें। मैंने फ्रेंड्स, इनके साइड इफेक्ट भी होते हैं। इसके अलावा मैं इसमें मिक्स करूंगी रोज वाटर। तो फ्रेंड्स, रोज वाटर की हम क्वांटिटी की बात करें तो आप चाहें तो सेम क्वांटिटी रख सकते हैं। अगर आप 1 कप आपने वाटर लिया है जिसमें आपने ग्रीन टी मिक्स किया था, तो सेम आप इतनी अमाउंट में आप रोज वाटर भी ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आपको ग्रीन टी के इफेक्ट ज्यादा चाहिए, क्योंकि ग्रीन टी क्या होता है, फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है, इसके अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जो आपकी जो एजिंग इफेक्ट आपके चेहरे पे दिखने लगते हैं ना, ये उसको रिड्यूस करता है। एंड आपको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम होती है ना, बहुत ज्यादा किसको ओपन पोर्स होते हैं, तो ये उसको भी मिनिमाइज करता है। आपको जैसा कि मैंने कहा, आपको ग्रीन टी के इफेक्ट ज्यादा चाहिए तो आप यहाँ पर सिर्फ 2 से 3 स्पून हम यहाँ पर रोज वाटर मिक्स करेंगे, अदरवाइज आप सेम क्वांटिटी भी रख सकते हैं, दोनों की इक्वल इक्वल क्वांटिटी भी ले सकते हैं। तो एज यू कैन सी डेट, ये हमारा टोनर बिल्कुल बनके रेडी है। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम एक प्लास्टिक की बोतल में, आप कोशिश कीजिए कि जो स्प्रे बोतल आती है ना आप उसमें सेव करें, क्योंकि फिर इसको यूज करना बहुत ही इजी हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास स्प्रे बोतल नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सिंपल इसको बोतल में यूज स्टोर करके रख सकते हैं एंड कॉटन की हेल्प से अपनी फेस पे लगा सकते हैं। लेकिन आप स्प्रे बोतल में इसको स्टोर करते हैं ना तो थोड़ा ज्यादा इजी हो जाता है लगाने में, और आपको करना है सिंपल वही यूज करने का तरीका, जब भी आप इसको यूज करें तो अच्छे से बोतल को शेक कर लें। इस तरह से आप बोतल ले लीजिए, इसको अच्छे से शेक कीजिए और देखो कितना इजी है, सिंपल आईज क्लोज करके। फोर टू फाइव टाइम अपने फेस पे आप इसको स्प्रे कीजिए, देन इसको छोड़ दीजिए सिंपल अपनी फिंगर से। इस तरह से आपने डैप टैप करना है एंड इसको आपने ऐसे ही छोड़ देना है।
और इसके बाद आप अपने कोई भी मॉइस्चराइजर जो आप यूज करते हैं वो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको एडवाइस करूंगी, आपको एक्ने, पिंपल, फाइन लाइन, रिंकल, इस तरह की जितनी भी प्रॉब्लम है ये जो टोनर है बहुत अच्छे से वर्क करता है और आपको इसके बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट चाहिए के साथ में एज अ मॉइस्चराइजर एलोवेरा जेल यूज करें। आप जो भी मॉर्निंग रूटीन आप अपना स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हैं, आप सिंपल जैसे फेस वॉश करते हैं उसके बाद आपने ये टोनर यूज करना है, उसके बाद आपने यूज करना है एलोवेरा जेल। तो आपकी स्किन अगर ड्राई है तो आप इसमें सम ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन मिक्स करके लगा सकते हैं एलोवेरा जेल में, तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा, आपकी जो स्किन प्रॉब्लम है उसमें 100% काम करेगा। फ्रेंड मैं वही चीज आपके साथ शेयर करती हूँ जिनको मैं खुद यूज करती हूँ, ये नहीं कि उठा के कुछ भी आपको बता दिया। आप सोचे कि सिंपल, आप सोचे इसी से आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, तो ये वर्क करेगा, डेफिनेटली करेगा, लेकिन साथ में अगर आप एलोवेरा जेल यूज करते हैं तो और भी ज्यादा जल्दी वर्क करेगा। फ्रेंड्स अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप हमेशा एक बात का ध्यान रखिए कि चाहे आप होम रेमेडीज यूज कर रहे हैं या फिर आप मार्केट से कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं तो कभी भी आपने उसको एकदम अपने फेस पर अप्लाई नहीं करना है, पहले आपने पैस टेस्ट करना है, मीन थोड़ी सी क्वांटिटी में उसको लीजिए और अपने फेस पर कहीं भी जगह पर आप लगा के 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कि आपको अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, एकदम नॉर्मल फील हो रहा है, किसी तरह की इचीनेस नहीं हो रही, आपकी स्किन किसी तरह से रिएक्ट नहीं कर रही है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं, मीन वो प्रोडक्ट, वो रेमेडी आपको सूट कर रही है। सो फ्रेंड दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब श्री अंबिका जी ऑल इन वन, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एंड सजेशन रिलेटेड टू वीडियो कैन कमेंट मी इन द बिलो कमेंट सेक्शन, एंड आई विल सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो। बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, टिल देन बाय बाय।